वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड अगेन वेलकम। और चलो थोड़ा आपको जर्मनी के सिचुएशंस के बारे में बताते हैं हम कि जर्मनी बिगड़ गया है। एक्चुअली बहुत बिगड़ गया है। तो आपको चलते हैं, एक जगह जा रहे हैं हम, अच्छे माहौल में खड़े होके आपको खूबसूरती मतलब नेचर के बीच में खड़े होके आपको चीजें बताते हैं। और इतना बिगड़ गया है कि कहीं सिटी में ऐसे खड़े होके भी नहीं रिकॉर्ड कर सकते। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम वहाँ पर पहुँचेंगे और फिर आपको बताएंगे। हाँ, खेतों में घूम रही हो? लॉकडाउन हो गया है और मैंने सब लोगों से पूछा था कि वो जानना चाहते हैं कि जर्मनी की सिचुएशन कैसी है, और मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये बोला कि हाँ। तो मैं वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि जर्मनी जो सब लोग बोलते थे इट्स एग्जाम्पल, या जर्मनी ने कोरोना बहुत अच्छे से हैंडल किया, और अब जो सिचुएशन है वो कैसी हो गई है वही मैं आपको बताऊँगी। पर हम दोनों को ऐसा लग रहा है कि जो मार्च 2020 में जर्मनी में सिचुएशन थी, हम लोग फिर से उसी वक्त पे आ गए हैं, और ये जो वक्त है ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि अभी क्रिसमस आने वाला है जो यहाँ के लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, न्यू ईयर आने वाला है जो हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हम घर नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ करोना। तो चलो एक एक करके एक एक चीज़ बताती हूँ और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि जर्मनी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अरे दीपक, मास्क क्यों लगा रखा है भैया? फिर से टॉर्चर शुरू हो गया है। टॉर्चर क्या, एक्चुअली पता, जर्मनी में इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इतने इनके यहाँ पहले कभी भी नहीं हुए थे जब कोरोना स्टार्ट हुआ था। तो अभी क्या है, एक नया रूल जो पहला है कि आपको पब्लिक प्लेसेस पे भी मास्क यूज करना है। पब्लिक प्लेसेस मतलब इंडोर नहीं, आउटडोर भी। तो यहाँ क्यों नहीं लगा रखे? तो मैंने लगा रखा है सेफ्टी के लिए, इसीलिए मैं खेतों में वॉक करने आया हूँ, कोई नहीं। हाँ, तो ये पब्लिक प्लेसेस वॉक करना अलाउ है, लेकिन कहीं एम्प्टी जगह, खाली जगह और ज्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी आप मतलब मार्केट एरिया है और भी लोग हैं, वहाँ मास्क लगाना है, चाहे अंदर या बाहर। और उसी के साथ, क्योंकि पीछे एक बंदी अपने डॉग को घुमा रही है, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर डॉग की केयर के लिए एक अलग रूल बनाया है कि जो लोग के पास डॉग है वो अपना वॉक करने जा सकते हैं। सौ बच्चे और 5 लोग। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ का जो रूल है वो इतना कॉमेडी रूल है, हम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि लॉजिकल नहीं है। वो ये है कि 2 हाउस होल्ड के लोग 5 मैक्सिमम अलाउड हैं गैदरिंग में, मतलब अगर आप उनके घर मिल रहे हो तो वो सिर्फ 2 हाउस होल्ड, लाइक मेरी फैमिली है और दूसरी फैमिली है, सिर्फ 5 लोग, ठीक है। और बच्चे कितने भी हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बच्चे जो है वो काउंटेड नहीं होंगे चाहे वो 100 बच्चे भी क्यों ना हो। 14 इयर्स से कम। ऐसा रूल क्यों बनाया, आई डोंट नो। बच्चों को शायद नहीं होता होगा। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट रूल ये आया है यहाँ पर कि क्रिसमस वाले दिन, मतलब 24th, 25th और 26th वाले दिन, 3 दिन मैक्सिमम आपकी फैमिली के अलावा आप बाहर से 4 लोगों को इनवाइट कर सकते हो। और वो जरूरी नहीं कि एक ही फैमिली के हों, अलग अलग फैमिलीज़ के हो सकते हैं, लेकिन आपके रिलेटिव होने चाहिए, आपके बिजनेस पार्टनर, मतलब क्लोज, और सिर्फ 4 लोगों को आप क्रिसमस पे बुला सकते हो, जो बहुत ही रेयर है। मतलब क्रिसमस बहुत बड़ा फेस्टिवल है यहाँ पर, जैसे नॉर्थ साइड इंडिया में दिवाली होता है वैसा। और उस सिचुएशन में भी इन्होंने सिर्फ 4 लोगों को अलाउ किया, इतना स्ट्रिक्ट मतलब लॉकडाउन इस बार लगाया है ना, जो अभी तक तो नहीं लगा था एक्चुअली। एंड फिर अभी नेक्स्ट सुर भी बताएगी।
अब सेलिब्रेशन होता है तो फायरवर्क आता है. इंडिया में फायरवर्क दिवाली पे इस टाइम पे अलाउड नहीं थे इस बार, क्योंकि हमारे पोल्यूशन बहुत है. और यहाँ पर इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि लोग गैदरिंग होती है, लाइक अगर फायरवर्क होता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है. तो न्यू ईयर के टाइम, क्रिसमस के टाइम, ना आप फटाके बेच सकते हो, ना आप फटाके खरीद सकते हो, ना आप फटाके चला सकते हो, और ना आप गैदर हो सकते हो, मतलब गैदरिंग कर सकते हो. तो दैट्स द अनदर रूल, जो ठीक भी है, आई थिंक इट्स लॉजिकल. नेक्स्ट क्या है दीपक? नेक्स्ट बताने से पहले मैं बताता हूँ अभी हो क्या रहा था कुछ दिन पहले से. मेरे ख्याल में ये आज से स्टार्ट हुआ है, आज से कल से सुरभि कल से स्टार्ट हुआ ये वाला लॉकडाउन. और इससे पहले अराउंड डेढ़ महीने से जिम्स बंद है क्योंकि केस इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन सलून खुले हुए थे. मतलब सोचो आप कि दोनों जगह हाइजीन की प्रॉब्लम है वैसे, लेकिन लोगों का ऑब्जेक्शन था ये जिम ओपन करो क्योंकि फिटनेस इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो आप बताइए आप क्या क्या सोचना है. अब मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या है. अब कल से सलून, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, मतलब सब कुछ बंद है. कोई कुछ चीज़ ओपन नहीं है. जो इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं जैसे कि आपका ग्रोसरी हो गया, मेडिकल्स हो गया, ये सब ओपन है, बाकी सब बंद हो गया है. और सिर्फ होम डिलीवरी अलाउड है या फिर पिकअप अलाउड है फूड का रेस्टोरेंट से. और सलून तो मैंने बताया आपको बंद हो गए हैं. और हाँ, आप रेस्टोरेंट से ख़रीद के लेके जा सकते हो, आप उसके बाहर खड़े होके भी नहीं खा सकते. रेस्टोरेंट सोचो आप बंद है, आप सोचो उसके बाहर खड़े होके खा लो, नहीं, वो भी अलाउ नहीं है. और अल्कोहल तो अलाउ है ही नहीं. और ये ग्लू वाइन का भी थोड़ा डिस्कस करते हैं. कुछ दिन पहले मैंने सुना था, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा है कि नहीं, कि यहाँ की जो चांसलर है उन्होंने बोला था कि डिस्टेंस मेंटेन करो और ग्लू वाइन पियो बहुत सारी, और जो नर्स वगैरह हैं मतलब उनसे दूर रहो. इन द सेंस कि ग्लू वाइन मतलब थोड़ा गर्म होता है विंटर में, गला गर्म रखती है, वो पीने को सजेस्ट किया था. लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं भाई, सब बंद है, पब्लिक प्लेसेस पे कुछ भी अलाउ नहीं है. जो करना अपने घर में करो, अपने फैमिली के साथ करो, दैट्स इट. और जो मेरे ख्याल में अभी जायज़ भी है क्योंकि इतने केस बढ़ रहे हैं ना, भगवान जाने कब वैक्सीन लगाना स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर एक 80 साल की जो वुमेन है उसने ये बोला था कि उसको ये जो एक्सपीरियंस है ये पहली बार हुआ है, क्योंकि उसको 18 साल से पहले उसके पेरेंट्स मना करते थे कि 8 बजे के बाद बाहर मत रहो. और आज सेम सिचुएशन आ गई है क्योंकि 8 बजे के बाद यहाँ कर्फ्यू है, 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता. तो वो 18 से पहले और अब 80 के बाद सेम एक्सपीरियंस कर रही है. शायद हम लोगों को भी ऐसे ही बोला जाता है, बट यहाँ पर इतना नॉर्मल नहीं है. और शी इज़ लाइक कि यार मैं 80 ईयर की हूँ, मैं बाहर जा सकती हूँ, प्लीज़ मुझे वो एक्सपीरियंस मत कराओ जो मैंने इतने साल पहले किया था. एंड दैट्स द वेरी लाइक, मुझे वो रिपोर्ट इतनी अच्छी लगी तो मैंने सोचा वो आपसे शेयर करूँ. और प्लस 8 बजे के बाद कर्फ्यू लॉजिकल है या नहीं उसका भी ज़रूर आप नीचे कमेंट करना. 8 बजे के बाद मैक्सिमम यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स भी बंद हो जाते हैं. हाँ. तो बेसिकली 8 बजे के बाद बाहर निकल ही नहीं सकते किसी भी रीजन से. हाँ. निकले सो लट्ट पड़े. तो दीपक, हमने बहुत सारी डसा नहीं, मतलब लोगों को बहुत ज्यादा वो नहीं किया, पर हमने चीजें बता दी कि यहाँ कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं. स्कूल्स बंद हो गए हैं सारे, सब कुछ बंद हो गया है 10 जनवरी तक. हाँ यार, सब बंद हो गया. और विंटर में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप घर में बैठे बैठे पूरे टाइम विंडो सब पूरा डोर बंद करके रहना पड़ता है. अगर आप बाहर नहीं निकलो ना तो डिप्रेशन सा लगने लगता है, अंधेरा जल्दी होता है. तो बाहर निकलना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है विंटर में. थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि समर में तो बाहर घूमते फिरते रहते हैं और उसके लिए इतनी प्रॉब्लम है. तो वो एक इन्होंने रूल इंट्रोड्यूस किया कि आप वॉक के लिए जा सकते हो, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो. जंगल में जा सकते हो, मतलब जंगल इन द सेंस यहाँ पर ऐसे ट्रैकिंग के लिए बना के रखते हैं ये लोग, वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे वॉक कर सकते हो आप, उसमें कोई इशू नहीं है. और अगर आपके पास डॉग है तो उसे घुमाने ले जा तो उसको घुमाने ले जा सकते हो. ये सब चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें बेसिकली. और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जाने से पहले, कि हो सकता है जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया हो या जो लोग कोर्सेज करने के लिए यहाँ आ रहे हैं उन्हें शायद फिर से डिले हो क्योंकि फिर से कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं कुछ
और उसके बहुत सारे रूल्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। मैं लिंक जो है वेबसाइट जो है वो नीचे छोड़ दूंगी, आप पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो वीज़ा का वेट कर रहे हैं या अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, उन्हें शायद अभी फिर से डिले जो है वो देखना पड़े, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो गया है। ऑफिसेज भी सब लोग होम लाइक वर्क फ्रॉम होम है, सभी लोग वर्क फ्रॉम होम है। विंटर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, प्लस वर्क फ्रॉम होम है लोग बहुत टाइम से, तो लोगों की हालत ख़राब है, काम कुछ यहाँ पर हो नहीं रहा है। तो अगर आपको डिले हो रहा हो तो ये मत सोचना वाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बिकॉज इट्स जर्मनी में सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। हाँ, इस चीज़ से मुझे याद आया कि वैसे भी यहाँ पर दिसंबर, मिड ऑफ दिसंबर से मिड ऑफ जनवरी तक मेरे ख्याल में ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम होता नहीं है। तो किसी के वीज़ा पेंडिंग है, किसी का कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, और अब तो कोरोना का लॉकडाउन भी है, तो आप एक्सपेक्ट करो थोड़ा डिले होगा। प्रॉब्ली आप नेक्स्ट ईयर जनवरी के, मिड ऑफ जनवरी के बाद से चीज़ें तो मतलब लाइन पर आएंगी। बाकी हम तो है ही हैं, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट है ही है जहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हो। मेरे हाथ दुख गए। और इसी के साथ गाइज हम लोग जाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। आप लोग बताना, नीचे कमेंट करना कि आप क्या देखना चाहते हो, और जर्मनी की सिचुएशन के बारे में ज़रूर कमेंट करना, कौन सी अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी, और अगर आप जर्मनी को एज ए एग्जाम्पल देखते थे तो अब एज ए जर्मनी को कैसे देखते हो। बिकॉज जो भी, मतलब मैं हमेशा दीपक से ये बोलती हूँ, जो भी सिचुएशन है वो कभी भी परमानेंट नहीं होती, कभी वो अच्छी भी होती है, कभी बुरी भी। वो सेम चीज़ें जो है वो जर्मनी के साथ हो रही है। और कमेंट ज़रूर करना, लाइक, और जो वो रेड बटन है उसको दबा देना, उसके बगल वाली घंटी दबा देना, ताकि आपको वीडियोस जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। टिल नेक्स्ट टाइम, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को बहुत सारे ऑफर देने वाली हूँ जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें जीत सकते हो। तो कनेक्ट रहना, बाय बाय।